चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
व्याक्तं विष्णुं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नावगुरुरोधिकन्तक्तं नावगुरुरोधिकन्तपः तत्तो ज्ञानास्ते प्रज्ञास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधरनाथस्य गुरुः परमदैवतं गुरोः परमत्रङ्गनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दन परमसुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिमं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्यमस्यादिलोकजं एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधीसाक्षीभूतं अवादितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वामि नमामि सद्गुरुं त्वामि नमामि सद्गुरुं त्वामि नमामि अभी हम लोग आदि तर्जन शरण से प्रार्थना सुन रहे थे। एक छोटा सा निवेदन मेरा है ऑनलाइन में उपस्थित सभी गुरु भाई माँ दादा से, कृपया करके आप लोग अपना ऑडियो वीडियो बंद रखेंगे, नहीं तो आवाज़ में डिस्टरबेंस आता है। अब हमारे बीच में सत्यानुष्ठान का पाठ करेंगे लोकवर्धन गुप्ता अधरजू पटना। दादा आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो आप अपना सत्यानुष्ठान का पाठ शुरू करें। जय गुरु दादा। हेलो, ठीक है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा श्री हस्त लिखित सत्यानुष्ठान ग्रंथ का पाठ। यदि साधना में उन्नति लाभ करना चाहते हो तो कपटता त्यागो। कपटी व्यक्ति दूसरे से सुख्याति की आशा में अपने आप से प्रवंचना करता है। अल्प विश्वास के कारण दूसरे के प्रकृत दान से भी प्रवंचित होता है। तुम लाख गप करो किंतु प्रकृत उन्नति नहीं होने पर तुम प्रकृत आनंद कभी भी लाभ नहीं कर सकते। कपटाशय के मुख की बात के साथ अंतर का भाव विकसित नहीं होता। इसी से आनंद की बात में भी मुख पर निरस्ता के चिन्ह दृष्ट होते हैं। कारण मुंह खोलने से होता ही क्या है, हृदय में भाव की स्फूर्ति नहीं होती। अमृतमय जल कपटी के लिए लवणमय होता है, तट पर जाकर भी उसकी तृष्णा निवारित नहीं होती। सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक के समान होता है, कपटी निम्न दृष्टि संपन्न गृद्ध के समान। छोटा रहो किंतु लक्ष्य उच्च हो, बड़ा एवं उच्च होकर निम्न दृष्टि संपन्न गृद्ध के समान होने से लाभ ही क्या है। कपटी मत बनो, अपने को न ठगो और दूसरे को भी न ठगो। जय गुरु। जय
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव हैं और गुरु ब्रह्म दयाल के किसी किसी नारी थी ग्रंथ से पाठ कन्या मेरी तुम्हारी सेवा कन्या मेरी तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जन साधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक न जानो हो ससम भक्ति गदगद कांड कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो बुद्ध हो दीप हो उदार हो तभी तो तुम कन्या हो तभी तो तुम हो सकी वाणी संख्या से प्रतिष्ठा में प्रेम प्रेम या प्यार अपने प्रेमाशद की परिपार्शी के जगत में सिर्फ प्रतिष्ठा करने की चैन नहीं लेता और वे भी चाहता है अपने जगत को विशिष्टि और समष्टि रूप से अपने प्रेमास्पद को उपहार देकर कृतार्थ होना उन्हें वहन कर बुद्धि में अनुप्राणित कर अधीनता में तृप्ति और मुक्ति को आलिंगन करना और ऐसा करके ही प्रेम अपने प्रिय को बोध ज्ञान कर्म जीवन एवं ईश्वर से रतुल कर देता है इसीलिए प्रेम इतना निष्पाप है इतना वर्णीय है वाणी संख्या थी इक्कीस वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु माँ। अब हम लोग भजन के पहले कड़ी में अयन कुमार गिरी जो कोलकाता से है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपने भजन से हम लोगों को उद्बुद्ध करें। अयन कुमार गिरी का गुरु मेरा फर्स्ट में देना है आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके थैंक यू मैं शुरू करता हूँ। जय गुरु जय आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित कर परम दयाला आया रे प्रिय परम
तपन को जीवन के हर देश सहन को पार करके हर शोर तपन को जीवन के हर देश सहन को निश्चित निर्मल पिया निरंतर निश्चित निर्मल पिया निरंतर हृदय बिहारी ने तमस्वी धारा हृदय बिहारी ने तमस्वी धारा प्रकाशित कर में आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित कर में आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम दयारा आया रे प्रिया परम अब वह शरणा गत गौहारा बहुत ही सुंदर भजन आपने हम लोगों को सुनाया आया रे प्रिय परम दयारा आज जगमग दुनिया सारा जीवन प्रकाशित करने वास्तव में गुरु आते ही है जीवन को प्रकाशित करने के लिए हम जितना उनके बताए रास्ते पे चलेंगे उनको पकड़ कर चलेंगे उनसे अपना अनुराग बढ़ाएंगे प्रेम करेंगे मेरे जीवन में प्रकाश अवश्य आएगा बहुत सुंदर भजन दादा जय गुरु अब हमारे भी हमारे भजन के दूसरे कड़ी में गौरव कुमार इतवारपुर पटना से हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा आप अपने भजन से हम लोगों को उद्बुद्ध करें गौरव कुमार सभी को जय गुरु तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार
प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। दीनहीन जन के प्रभु तुम मुक्ति दाता, प्रभु तुम मुक्ति दाता। दीनहीन जन के प्रभु तुम मुक्ति दाता, प्रभु तुम मुक्ति दाता। शोक ताप अभिशाप दुख कष्ट संताप, शोक ताप अभिशाप दुख कष्ट संताप। हर लेते हो सबके भार प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। तुम पतित पावन रक्षक हो सबके सहारा हो जीवन में अमृत की धारा। पतित पावन रक्षक हो सबके सहारा हो जीवन में अमृत की धारा। पुरुषोत्तम प्राणनाथ मूर्त प्रेम जगन्नाथ, पुरुषोत्तम प्राणनाथ मूर्त प्रेम जगन्नाथ। जगत के तुम हो आधार प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। इष्ट गुरु मालिक तुम सेवक हम तेरे हैं, सेवक हम तेरे। इष्ट गुरु मालिक तुम सेवक हम तेरे हैं, सेवक हम तेरे। प्रेम सुधा से ये प्राण भर देते दया निधान, प्रेम सुधा से ये प्राण भर देते दया निधान। प्रेम सुधा से ये प्राण भर देते दया निधान, प्रेम सुधा से ये प्राण भर देते दया निधान। करते हो सबका उद्धार प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। हाथों में तेरे पतवार तुम कर दोगे पार प्रभु परम दयाल। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है, तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। तुमसे ही तो जीवन है समर्पित ये मन है। क्योंकि गुरु कहते हैं समर्पण ही जीवन है। हम लोग इच्छा लेकर के अपने गुरु को सुंदर ढंग से लेकर के उनके रास्ते पे चलेंगे, जीवन में बदलाव आएगा। जय गुरु। अब हमारे बीच भजन के तीसरे कड़ी में है तापसी माँ पूर्णिया से। बहुत स्निग्ध माँ है, बहुत ही सुंदर ढंग से ठाकुर को अपने घर में सजा करके पूर्णिया मंदिर में योगदान दे करके सुंदर ढंग से अपने परिवार को लेके चल रही है। मैं उनसे निवेदन करूंगा तापसी माँ आप अपने भजन से हम लोग को उद्बुद्ध करें। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु माँ, जय गुरु। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है माँ। अच्छा ठीक है। कौन नहीं ठाकुर की धुन का गुलाम, कौन नहीं ठाकुर की धुन का गुलाम। राधा राधा नाम बोलो राधा राधा नाम, राधा राधा नाम बोलो राधा राधा नाम। कौन नहीं ठाकुर के धुन का गुलाम, कौन नहीं ठाकुर के धुन का गुलाम।
जीवन धन्य हो गया क्योंकि ये सत्संग स्थिति प्रेमी सदाचार ठाकुर के संग देवघर में जाकर के हम जो आनंद प्राप्त करते हैं इसी नाम के लिए। और ये राधा राधा नाम अगर मेरे जीवन में आ गया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत ही सुंदर भजन माँ, जय गुरु, जय गुरु माँ। अब हमारे भजन के चौथे कड़ी में है राजेश कुमार नगर उकाई झारखंड से। आप मेरी आवाज सुन रहे दादा? राजेश दा मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजेश दा नगर उकाई से मेरी आवाज सुन रहे हैं? राजेश दा किसी कारण से हम राजेश दा की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, पावर संपर्क में नहीं है। मैं एक आदित्य रंजन से ही एक भजन गाने का निवेदन कर रहा हूँ। आदित्य रंजन शरण पटना। जय गुरु दादा, मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी दादा। I'm gonna
Hallelujah.
दर्शन की खूब सुंदर ढंग से साकार होनी चाहिए। अगर गुरु की दर्शन मिल जाए तो जीवन ही बदल जाता है और हम अपने आप को धन समझते हैं। इसलिए हम हमेशा ऐसा उपाय करेंगे, दिशा में मंत्र साधना करते रहेंगे, समय पे प्रार्थना करेंगे और स्थिति का जो टाइम बताया गया है उस टाइम पे हम स्थिति करेंगे और साथ ही अपने अगल बगल पड़ोस में जा करके भी लोगों से ठाकुर की बात का याजन करेंगे। जब तक हम याजन नहीं करेंगे ठाकुर हमें मुक्त नहीं होते हैं। याजन करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आता है, हम ठाकुर को हमेशा जीवन पाते हैं। बहुत बहुत सुंदर भजन। अब हमारे बीच में राजीव से आ चुके हैं, हम निवेदन करेंगे आप अपना भजन सुना के हम लोग को उद्बुद्ध करें। राजेश कुमार जय गुरु राजा गुरु, हम भजन सुना रहे हैं आप लोगों को। हाँ दादा सुनाइए। तुम जो देते हो मालिक वही अच्छा है, मेरी चाहत ने मारा है अंधियारे में ज्योति प्रकाश का, तुमसे ही तो सारा है। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण, ओ पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। पालन पोषण पूर्ण करते करते सबको धारण, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। तेरी सेवा तेरा करम, तेरी नीति तेरे धर्म से मंगलमय जीवन। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण।
तारण पर न जो भी आए शोक कष्ट दुख सताए, तारण पीरन जो भी आए शोक कष्ट दुख सताए, तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरी इच्छा तेरे कथन का, तेरे ही चलन का मिलकर करेंगे हम पालन, करेंगे हम पालन प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण हो, पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण हो, पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, प्रभु नाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। स्वार्थ तू हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना, स्वार्थ तुम हो केवल अपना, तेरे बिन अब कुछ नहीं पाना, तेरी तृप्ति तेरी स्वस्ति, तेरी तृप्ति तेरी स्वस्ति, तेरी शांति तेरे सुख का करेंगे हम साधन, करेंगे हम साधन प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। हो पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, हो पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। मांगू तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान, मांगू तुमसे एक ही दान, तेरे ही सुख का संधान, तेरा दास तेरा सेवक, तेरा दास तेरा सेवक, तेरे ही चरण में करेंगे सब अपना अर्पण, सब अपना अर्पण प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। हो पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, हो पालन पोषण पूरन करते करते सबको धारण, प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। प्रभुनाथ जीवन के कारण, प्रभु धर्म मूर्त नारायण। हाँ जय गुरुदा, बहुत ही सुंदर तुम देखते हो, बहुत ही अच्छा। तेरी इच्छा तेरी का करेंगे हम पालन, अभी हम यही बोल रहे थे, और आप भजन गा करके भी हम लोगों को क्लियर कर दिए कि उनकी कथन उनकी इच्छा को हम जितना पालन करेंगे, जितना धारण करेंगे, उतना हम प्रभु के नजदीक पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर भजन, जय गुरु दादा। अब भजन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हमारे बीच घेटी सुंदरलाल SPR नगर उटाई झारखंड से हैं, ये भी बहुत निष्ठ हैं, इनके पूरा परिवार ठाकुर मई है, और मेरे संपर्क में भी ये लोग काफी पटना में रहे हैं, और मैंने देखा है भक्ति कितना सुंदर से की जा सकती है, ये इनका मिसाल इनका परिवार है। बहुत ही सुंदर ढंग से दोनों भाई पिता माँ सब मिलके ठाकुर के सत्संग में लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती सुंदर दा। अब आप हम लोग के बीच याजन करके हम लोग को उद्भुत करें। दादा जय गुरु, जय गुरु दादा। आज इस सत्संग से जुड़े हुए सभी इष्ट प्राण, इष्ट प्रतिष्ठा प्रेमी, देवतागण, जाजकगण, अधर्जुगण,
गुरु भाई, स्नेहमयी माताएं, बच्चों, सबको मेरा राम नंदित जय गुरु। और आज यहाँ विजय दशमी भी मनाया जा रहा है, पता नहीं पटना का क्या है, लेकिन आज यहाँ मनाया जा रहा है, तो मैं सबको विजय दशमी का भी प्रणाम जय गुरु सबको देता हूँ। हम लोग ठाकुर जी को गुरु रूप में ग्रहण किए। ठाकुर जी ने अपने पूरे जीवन काल में अपना मैक्सिमम समय मनुष्यों के बीच बिताया, लोग के बीच घिर के बिताया। कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो लोग को छोड़कर अलग अकेले एकांत में रहते हो रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी कहते थे, मैं एक मनुष्य के लिए मैं पूरा साम्राज्य त्याग कर सकता हूं। सोचिए कि ठाकुर जी के जीवन में मनुष्य का कितना बड़ा महत्व रहा है, और वो हमेशा हमेशा कैसे मनुष्य का उत्थान हो, कैसे वो बचे, कैसे वो बढ़े, वृद्धि पाए, यही ठाकुर जी का उद्देश्य हमेशा से रहा। और जो उन्होंने पथ दिया है चलने के लिए, वो भी तो बचने बढ़ने का ही पथ दिया है। ठाकुर जी की जितनी भी बातें, जितनी भी वाणियां हैं, वो सिर्फ एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, और वो है बीइंग एंड बिकमिंग, अस्ति वृद्धि, बचना बढ़ना। तभी तो ठाकुर जी ने धर्म की परिभाषा दी कि सबको बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। दीक्षा लेते हैं हम लोग, उसमें चौथा संकल्प में भी ठाकुर जी हम लोग से संकल्प लेते हैं। क्या लेते हैं कि यह मैं और भी संकल्प लेता हूं कि आज से अपने पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथा साध्य अर्थ वाक और वास्तव कर्म द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यही हम लोग चौथा संकल्प लेते हैं। तो हमारे साथ, हमारे परिवेश का और परिवेश में रहते मनुष्य का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आप हमेशा देख सकते हैं ठाकुर जी की जिंदगी से भी। ठाकुर जी ने जीवन में, चाहे वो कोई भी रहा हो, चोर हो, साधु हो, संत हो, शराबी हो, क्या किया उन्होंने? कभी किसी का त्याग नहीं किया, कभी किसी को दुत्कारा नहीं, बल्कि सबको अपना के, प्रेम देके सबको इंसान बनाया। मुझे कोई कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। आज कई दिनों से ऑनलाइन सत्संग चल रहा है, और आप लोग उस तरह की घटना जरूर सुने होंगे। तो यही है ठाकुर जी का मनुष्य प्रेम। अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस में पूजनीय बवाइदा भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठाकुर को पूजा पाठ के बीच न रखकर उनको आत्मसात करना होगा। मतलब ठाकुर जी को सिर्फ ठाकुर जी का फोटो, जैसे और देवी देवता का रखते हैं, सजा धजा के रख लिए ऊपर नीचे, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा लिए और बस चलते बने, ऐसा नहीं, आत्मसात करना होगा। क्या है आत्मसात करना? उनको ठाकुर जी ने जो भी चीज दिया है, जजन जाजन इष्टोभृति स्वस्तैनी सदाचार, आप लोग अक्सर सत्संग में सुनते हैं करने के लिए, लेकिन क्या हम उस चीज को कर पा रहे हैं? बना के हम लोग मतलब फांकी देना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर जी के बारे में कह रहे हैं पूजनीय बवाइदा कि ठाकुर जी चाहते थे वो हम लोग के बीच में ही रहना। कलकत्ता के बरा नगर में ठाकुर एक बार आए थे,
वहां के गंगा घाट पर ठाकुर भक्तों के साथ स्नान किए थे, उन लोगों के शरीर में तेल मालिश भी किए थे। कई भक्त बहुत परिश्रम करके लौटे थे। उन तक हम ठाकुर जी को फोटो और कैलेंडर के भगवान समझेंगे, तब तक हम अपने चलन में फांकी देते रहे। तो हमारा पर्सनैलिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो, है कि नहीं, हमारा आत्मशक्ति बढ़े, इसके लिए हमें हमेशा मानना होगा कि ठाकुर जी का अगर आप छवि घर में लगाए हैं तो ये मानना होगा कि ये मेरे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। जैसे मैं कहीं जाता हूं घर से बाहर, सब्जी लेने भी जा रहा हूं, तो ठाकुर जी को एक बार प्रणाम करके जाता हूं। और ऐसा करते हैं बहुत गुरु भाई, करते हैं बहुत कर्मी लोग करते हैं। तो क्यों प्रणाम करने का मतलब कि जैसे आप अपने बड़े को प्रणाम करते कहीं जाते हैं बाहर, आप एक जस्ट उनको जना रहे हैं कि ठाकुर जी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं सब्जी लेने, मतलब वो मेरे गार्जियन है जीवंत, ऐसा हमको सोचना होगा। तब क्या होगा कि जब सुबह में नींद आएगी और आप सोचिएगा कि अरे मेरे गार्जियन बैठे हैं, उनको स्मृति देना है, तो आप झट से उठ के पहले स्मृति करेंगे, नींद को आप बाधा देंगे और नींद तोड़ के उठेंगे। फिर हम लोग को ठाकुर जी जो बोले हैं कि लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, तो देखे कैसे इस घटना में जो वायदा बताया, क्या ठाकुर जी अपने हाथ से सेवा किए, तेल मालिश किए, ऐसा भावना हम लोग को रखना होगा। प्राय क्या होता है जब हम लोग दीक्षा ले लेते हैं तो और स्वस्थानी ले लेते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने परिवार और समाज से अपने आप को अलग ऊंचा दिखाने के प्रयास में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दीक्षा लेने के बाद कुछ स्पेशल नहीं हो रहे, दीक्षा लेने के बाद एकदम और नॉर्मल हो रहे हैं। नॉर्मल जो चीज इस मनुष्य रूप में आके हमें करना चाहिए, हम उस चीज की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी सामान्य रूप से हम लोग रह रहे हैं। अगर हम अपने परिवार और समाज से दूरी बना के रखेंगे तो हम कभी भी अपने परमपिता की बात उनके बीच विश्वास के साथ, दम के साथ नहीं रख पाएंगे। तो ठाकुर जी बोलते भी हैं, शाश्वती ने एक वाणी है, ठाकुर जी कहते हैं मनुष्य यदि मनुष्य के परिपूर्णी वैशिष्ट के निकट सर नत करना नहीं जानता है, ब्रह्म या ईश्वर के निकट सर नत करता है, उसके लिए एक हास्योद्दीपक कायदा के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखिए ठाकुर जी की भी वाणी एक इंग्लिश में वाणी है कि इफ यू डोंट लव दोज हु लव योर बिलवेड, मतलब जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं उनको अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो क्या होगा, मेरा जो प्रेम है वो शंका करने योग्य प्रेम है, वो सही प्रेम नहीं है। तो ठाकुर जी से सही प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब जो उनकी रचना है उनसे भी हम प्रेम कर सकें। देखिए ठाकुर जी कितना मतलब हम लोग को बल देते हैं कहकर कि मनुष्य को समर्थ कर दो, शंका से उसे स्तंभित मत कर दो, आदर्श के प्रति सचल संवेगी बना दो, जिसका जैसा वैशिष्ट है उसी तरह से उसको उत्कर्ष में उदयमान कर रखो, स्वयं भी चलो उसी तरह वाक और चरित्र से, क्या होगा उससे तृप्त होगे मंगल में, तृप्ति हम लोग को आएगी। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि किसी को भी हताश मत करो, उसे आशा दो, उसे उत्कर्ष में विन्यस्त कर दो, जिससे जन व समाज सफलता पूर्वक उद्वर्धन की ओर चल सके। देखिए आज
आचार्य देव को, बवाईदा को और भी जो ठाकुर परिवार है, कैसे उनको लाखों लाखों लोग घेर के रखता है, क्योंकि ये सब वाणियां जो हैं उनके अंदर जीवंत है, मूर्त है। बवाईदा के पास जाते हैं आप, अपना कुछ भी बात, किसी भी तरह की बात, समस्या है, आप बवाईदा के पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि यहां पर आने पर उसका समाधान मिलेगा। और बवाईदा भी ठाकुर जी के अनुसार हम सबको उस समस्या का समाधान देते हैं। कितने ही लोग हैं जो उनके आशीर्वाद से आज जीवन लाभ करके जीवन में खुश होकर चल रहे हैं। एक छोटी सी घटना है, एक सत्संगी परिवार है, कुछ ये 7-8 साल पहले की घटना है। क्या हुआ कि उन लोग दो भाई थे, दोनों दीक्षित थे, दीक्षा लिए, शादी हुई दोनों की, और फिर क्या हुआ, क्रम में एक किसी साधु संत के पास उनकी पत्नी लोग, वो लोग नहीं, पत्नी लोग गई, और वो साधु क्या बोल दिए कि उन लोगों का वंश नहीं चलेगा। सोचिए, यहां ठाकुर जी कहते हैं कि किसी को हताश मत करो। वो कैसा साधु था कि अगर वो सच्चाई जान भी रहा है तो इस तरह की बातें कह के किसी को हताश नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी कहते हैं कि किसी को हताश मत करो, वो हताश कर रहा था। तो कुछ ऐसी ऐसी घटना भी उन लोग के घर में घटी जिससे उन लोग का मन एकदम विचलित था, और साधु की ऐसी बात से और ज्यादा परेशान हो गए वो लोग। मेरी उनसे एक बार बात हुई इसी दौरान, तो उन्होंने ऐसा जो था अपना सारा चीज मुझे बताया। तो मैं उनसे एक ही बात कहा कि देखिए भैया, आप ठाकुर जी की दीक्षा लिए तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी की वाणी भी तो है, सोचते हो तुम, सोचने वाले कौन होते हो तुम, सोचते हो तुम, सोचने वाले कौन होते हो तुम, सोचने वाले वे हैं, उनको ही सोचो तुम। तो जब सोचने वाले ठाकुर जी हैं तो हम क्यों चिंता में पड़ रहे हैं? ठाकुर जी की असीम दया से उनके रक्तवाही आचार्य ठाकुर परिवार हमारे बीच में है, उनको छोड़ के इसका समाधान और कौन दे सकता है? तो वो फिर आश्रम गए और पूज्य बवाईदा के पास अपनी बातों को रखे। पूज्य बवाईदा ने बहुत सारी बातें उनको बिल्कुल स्टेप वाइज, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है उस तरह से, यहाँ ऐसे ऐसे करना, इस समय यहाँ आना, ये दवा खाना, ऐसे कर करके बताए बिल्कुल दोनों भाई का। और ठाकुर जी की दया देखिए, ठाकुर जी के वंशधर के आशीर्वाद को देखिए कि एक साल होते न होते दोनों भाई के घर लड़का जन्म लेता है और दोनों लड़के का नामकरण भी पूज्य बवाईदा ही करते हैं। तो ये सब चीज हमें विश्वास करना होगा, ये हम चमत्कार इसको समझ के, सिर्फ चमत्कार के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। ठाकुर जी के बातों को आत्मसात किए हुए हम लोग, इसलिए उन लोग की बातें सिद्ध है। आचार्य और बवाईदा पूरे ठाकुर परिवार की बात मैं कर रहा था, वो लोग इसीलिए वाक सिद्ध है। पूजनीय बवाईदा एक बार बोल भी रहे थे स्पीच में कि जो ठाकुर जी आपके हैं वही ठाकुर जी मेरे भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी निष्ठा आप लोगों से अधिक है। बात भी सही है, ठाकुर जी में जितना, जिस तरह से उन लोग लगे हुए हैं, हम लोग उस तरह से नहीं लग पाए। हम आज समय से प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह स्तुति कर लेते हैं, नाम ध्यान कर लेते हैं, तो 8-10 दिन करने के बाद फिर सोचते हैं अच्छा थोड़ा देर से ही कर लेंगे, क्या होगा, यहां हमारी निष्ठा ब्रेक हो जाती है। लेकिन ऐसा बवाईदा और ठाकुर परिवार के केस में नहीं, उन लोग कर रहे हैं जो चीज तो कर रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। नाम ध्यान करना है सुबह समय से तो करना है, प्रार्थना करना है तो करना है,
देखिए ठाकुर जी कहते भी हैं कि भगवान सभी के लिए समान है, प्रत्येक के अपने वैशिष्ट्य में वे दयालु हैं, प्रत्येक के लिए उनकी ओर जितना ही बढ़ोगे उनकी दया तुम उतनी ही पाओगे। सोचिए तो बवाइदा लोग उनकी तरफ हर तरह से बढ़ते हैं, चाहे वो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका एक एक एक्शन, हंसना, मुस्कुराना, देखना, सब हर तरह से उन लोग ठाकुर जी को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए एक उदाहरण है। ये देखकर ये नहीं सोचना है कि वो तो ठाकुर परिवार है इसलिए कर सकते, नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं। इवन ठाकुर जी ने भी जो चीज किया है वो इसलिए किया है कि हम मनुष्य रूप में जो भी है वो इस चीज को कर सकते हैं। सुबह में नाम ध्यान करने के बाद हम लोग स्वतः अनुज्ञा पढ़ते हैं ना, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभ जित वशी, ऐसे करके पढ़ते हैं। तो ये क्यों है इस तरह का? ठाकुर जी हम लोग को ऐसा बनाना चाहते हैं, बोल बोल के ही बनाना चाहते हैं, एक विधान दे दिए कि हमें नाम ध्यान करने के बाद ऐसा पढ़ना है। हर तरह से हम लोग को ठाकुर जी मजबूत बनाना चाहते हैं, हम लोग हर तरह से विकसित रहें, वर्धित रहें, यही उनकी इच्छा है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग गुरु रूप में ठाकुर जी को पाए हैं। और ठाकुर जी को लेके अगर हम लोग खुश नहीं हो पा रहे, आनंदित नहीं हो पा रहे हैं, मजा में नहीं रह पा रहे हैं, किसी के लिए कुछ करने के लिए हृदय में व्याकुलता नहीं आ रही है, इसका मतलब कि हम मेरी जो साधना है उसमें कहीं गड़बड़ी है। तो हम अपने साधना की जो भी पद्धति ठाकुर जी ने दी है, जजन जाजन इष्टभृति स्वस्तेनी सदाचार, जजन में नाम ध्यान बहुत जरूरी है, ये सब चीज हम यही सब चीज को बेसिक्स जो है उनको बस हम ठीक करते रहे, ऊपर की चीज को सोचने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स को हम ठीक करते रहेंगे हमारा हर चीज ठीक होता रहेगा, हम बचेंगे बढ़ेंगे, इसके लिए हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो ठाकुर जी को लेके हम लोग हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें, मजे में रहें, तभी हम लोग ठाकुर जी को खुश कर पाएंगे, उनको नंदित कर पाएंगे, उनकी स्वस्ति के लिए हम लोग मतलब प्रस्तुत रह पाएंगे। अंत में मैं एक और वाणी ठाकुर जी की यही कहना चाहता हूं, जो मैं प्रायः हर सत्संग में कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि वो मुझे बार बार स्ट्राइक करे, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कर रहा हूं करने के लिए, अपने लिए मैं कहता हूं कि सुने बहुत किए नहीं, सुने बहुत किए नहीं, ठगे गए कितना बुझे नहीं। सोच लीजिए, अगर हम सिर्फ सुनते रहें और हम उसको कर नहीं पाते हैं तो क्या होगा, ये हम पग पग पे ठगाते रहेंगे और हम बूझ भी नहीं पाएंगे कि हम ठगा रहे हैं। सोचिए, हम बूझ भी नहीं पाएंगे कि हम ठगा रहे हैं। पटना के सभी गुरु भाइयों से तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, एक वहां घर को छोड़ के उस उम्र में पटना गया था मैं, और जाने के बाद वहां आप सबों का एक सानिध्य मिला ठाकुर जी के माध्यम से, ये मेरे लिए बहुत ही क्या कहा जाए, वरदान था। ठाकुर जी की इच्छा थी कि वहां आप लोगों के बीच में रह पाऊं, और नहीं तो प्रायः क्या होता है कि जब लोग बच्चे बाहर जाते हैं तो गार्जियन हमेशा एक चिंता में रहते हैं कि मेरा बच्चा वहां रह रहा है, बाहर कैसे रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन ठाकुर जी की दया से जहां भी मैं रहा, गुरु भाइयों के बीच रहा, ठाकुर जी के सत्संग के परिसर उसके रेंज में रहा, हमेशा आप लोग का संग मिलता रहा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए सबको जय गुरु, जय यथा गुरु, जय गुरु। अभी आप एक तरह से बहुत ही सरल भाषा में अपने अनुभव के आधार पे ठाकुर के बारे में हम लोग को बताए, बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु दादा।
आज के दाता है रोशनी कुमारी और प्रसाद कुमार जो मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, उनके पिता बीमार हैं, उनके स्वस्थ लाभ के लिए हम परमपिता से प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ लाभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आदित्य रंजन से निवेदन करेंगे, जय राधे राधे भजन गा करके हम लोगों को सुनाए। आदित्य रंजन शरण आ रही है। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वारु रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वारु रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वारु रे। चारुर मन कपट चतुरे अदुनि बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धन अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारुर मन भवे आशा अजब नामी करो रे। राधे गोविंद नाम डी बदुनि लइए नयन निर सदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालरे। राधे गोविंद 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 बोले सदा नागुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालरे। चारुर मन कपट चतुरे अदुनि बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि राम जीवेर मूल धन अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारुर मन भवेर आशा अजब नामी करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा बोल। राधे गोविंद नाम डी बदुनि लइए नयन निर सदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री
ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पाद श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पाद श्री वर्ता की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतां वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। चलो जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हरि का जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हरि का जय गुरु। विजयदशमी के उपलक्ष में भाई बहुत ही अच्छा लगा दादा। जय गुरु। हाँ जय गुरु। सब को जय गुरु। जय गुरु।